नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन पोखरियाल देहरादून से बात कर रहा हूँ। और इस समय कितना टाइम हो रहा है? लगभग 3 बजने वाले हैं, मेरे ख्याल 3 बजने वाले ना। हाँ, 3 बजे के आसपास का समय। और ये समय ठंडियों का टाइम है ना, धूप आ रही है इस समय बड़ी अच्छी मखमली। और पीछे मेरे भाई के प्लॉट में अभी काम चल रहा है, 8 कॉलम जितने भी कॉलम मतलब सारे कर दिए उन्होंने खड़े। खड्डे तो हो गए थे, मतलब एक दिन में खड्डे खोदे, फिर अगले दिन कॉलम तैयार किए और अब खड़े कर दिए। तो ये एक कॉलम तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, और बाकी कॉलम भी हैं पीछे, सारे के सारे लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से काम चलता रहेगा तो मतलब ये कि अब काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत रेल बन जाएगी। बीच में कई बार काम भी अटक जाता है ना, और मेरा भी काम अब साथ साथ में चलता रहेगा। तो ये क्या कहते हैं, मतलब पीछे तो मैंने चौखट पहले से ही तैयार करवा दी थी। ये सारी चौखटें और खिड़कियाँ। हाँ, क्या हो गया रशु? लो जी दोस्तों, तैयार हो गए कॉलम, ये खड़े कर दिए हैं इन्होंने। और कुछ कॉलम अभी भी रह गए हैं लगाने, 5 फीट 11 गड्ढे, उसमें सीमेंट। एक कॉलम ही हो गया ना। बिगर देन, कौन सा बलून चाहिए? बिगर देन है तो वो ला तो रखे। कृष्णा वाला आजकल ठंडा काफी हो रहा है ना रशु, उधर तो देखो। हाँ, यहाँ पर दीवार में। हाँ, दीवार पे देख लिया मैंने। और रशु की शैडो है ये, पापा की शैडो, ये मम्मी की शैडो है। हाँ, ये लैडर है, देखो ऊपर तक जा रही है, ठीक है ना लैडर। एंड दिस बर्ड्स आर गोइंग इन द पैरेलल लाइन। कभी कभी इससे आधे मकान को देख के भी बड़ा अजीब सा लगता है, पर ये जब ये रिपेयर हो जाएगा, बगल में मकान खड़ा हो जाएगा तो तब ठीक लगेगा। ये देखो एक पिलर तो ये, बाकी काम चलने को लगा था यहाँ पे। मेरा तो केवल ऊपर का पोर्शन बनना है, लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे इसमें भी। आज यहाँ पे बैठ जाए, अब गाना सुना दो, यहाँ पे गाना सुना। क्रीम पाउडर घसने की लैनी तेरी मेरे वाला समझी की लैनी। ये गुंडी भी उठ रखी है, ये भी अभी उठी है, बाहर आ गई, नला धुलाएगी। हाँ ऐसे बोला, हेलो मेरी छोटी वाली लड़की है ना, पहले नींद में थी, सो रखी थी बिल्कुल घनघोर नींद में, अब उठ गई। इसकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी 2-3 दिन से, है ना, अब ठीक है। हेलो बोलो, हेलो।